वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भारतीय इंतखाबात में मोदी के जीतने की ख्वाहिश कर दी। कहते हैं मोदी जीते तो अमन मुज़ाकरात बहाल होने के बेहतर मौके पैदा होंगे। हुकूमत ने जैश-ए-मोहम्मद के मदारिस का कंट्रोल संभाल लिया। आसिया बीबी बहुत जल्द पाकिस्तान छोड़ देगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी भारतीय इंतखाबात में मोदी की जीत के हामी निकले। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC को इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि मोदी कौम परस्त जज्बात की बुनियाद पर इंतखाबात लड़ रहे हैं। कांग्रेस जीती तो शायद वो कश्मीर के मसले का हल तलाश करने में झिझक का शिकार हो। भारतीय हम मनसब को पैगाम देते हुए वजीर आजम का कहना था कि मसला कश्मीर हल करना होगा, ये मसला उबलता हुआ नहीं रह सकता। जौहरी हमसाए अपने इख्तलाफात को सिर्फ मुजाकरात के जरिए हल कर सकते हैं। Surely the number one task of the two governments should be how are we going to reduce poverty, and the way we reduce poverty is by settling our differences through dialogue, and there is only one difference which is Kashmir. It has to be settled. The Kashmir issue cannot keep on boiling like it is. आसिया बीबी से मुतालिक सवाल के जवाब में वजीर आजम बोले कि आप देखेंगे कि आसिया बीबी बहुत जल्द पाकिस्तान छोड़ देंगी। आसिया बीबी पाकिस्तान में महफूज हैं। एक सवाल के जवाब में इमरान खान बोले कि जैश-ए-मोहम्मद के मदारिस का कंट्रोल हुकूमत ने संभाल लिया है। मुल्क भर में जैश-ए-मोहम्मद समेत दीगर कलदम तंजीमों को गैर मुसल्ला कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ लाहौर से लंदन रवाना हो गए। शहबाज शरीफ लंदन में अपने साहबजादे हमजा शहबाज की अहलिया, पोते और पोती की खैरियत दरियाफ्त करने के साथ साथ अपना तिब्बी मुआयना भी कराएंगे। शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज अपनी रवानगी के हवाले से ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि अल्लाह ताला ने मेरे छोटे बेटे को फर्जंद और बड़े बेटे को शादी के 20 साल बाद बेटी की नेमत से नवाजा है। नौमौलूद बच्ची का पैदाइश के 1 हफ्ते बाद लंदन में दिल का बड़ा ऑपरेशन हुआ। ECL में नाम होने की वजह से बच्चों को नहीं देख सका था। उन्होंने कहा अपने तिब्बी मुआयने के बाद जल्द वतन वापस लौट आएंगे।